हेलो दोस्तों, कैमरामैन विजय के साथ मैं अनुराग गुप्ता, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास सोनी का 43 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है, जिसमें से डबल इमेज फ्लिकरिंग प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि आप हम देख रहे हैं, ये डबल इमेज और फ्लिकरिंग दोनों प्रॉब्लम से चल रही है। तो जैसे कि आप देखना चाहते हैं, हम लाइव ही वीडियो दिखाते हैं, लाइव ही रिपेयर करके आपको सामने दिखाएंगे। तो आपके सामने हमने टीवी चालू किया, एक बार आपको चालू और बंद करके भी दिखा देते हैं। ये हमने टीवी बंद कर दिया और फिर हम टीवी को चालू कर दिए। तो सोनी एक ऐसा सेट है जैसे दोस्तों कि कुछ भी जैसे प्रॉब्लम होने लगती है तो दिखने लगता है। जैसे कि आप देखना चाहेंगे, इसमें सोनू का लोगो आया था, अब ये फ्लिकरिंग और डबल इमेज बनने का प्रॉब्लम कर रही है। आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते होंगे वो आप बोलते होंगे, हमारी भाषा में इसको डबल इमेज और फ्लिकरिंग बोला जाता है दोस्तों। तो आप देखने का कोशिश करेंगे कि हमें इसमें आ रही है सोनी का लोगो, ये एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, फिर इसके बाद डबल इमेज बनने का ही कोशिश कर रही है। तो हम इसको लाइव ही वीडियो दिखाएंगे। ये दो दिन पहले ऐसा ही एक टीवी हमने रिपेयर करके दिखाया था, तो उसमें एक घंटा तक समय लगा था। तो हम वो फॉल्ट, इसमें भी सेम फॉल्ट है, लेकिन हम आपको 5 मिनट में रिपेयर करने का फार्मूला हमको बताएंगे बिना बॉन्डिंग किए हुए। दोस्तों आपके सामने देखिए, लाइव भी वीडियो, डबल इमेज फ्लिकरिंग दोनों बन रही है। तो हम टीवी को ऐसे सुला देते हैं दोस्तों, ये तो देखने का कोशिश करेंगे। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, मैं ये लाइए, मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखना चाहेंगे, एक हमारे पास टीवी आया है, मॉडल नंबर आपको हम आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देखना चाहते हैं, 43X8200E है, ई फॉर ई सीरीज है दोस्तों, ई सीरीज है, लास्ट में ई लिखा है, तो इसका मतलब ई सीरीज का लेटेस्ट मॉडल टीवी है, जो भी हाल ही में 2 साल पहले पुराना है टीवी दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉब्लम में आया हुआ है। तो हम आपको लाइव वीडियो दिखाने का कोशिश करेंगे तो हम ये टीवी को निकाल लेते हैं, तो ये टीवी को खोल लेते हैं दोस्तों। 10 वीडियो देखने के बजाय आपको बता रहा हूँ, 10 वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो देखें, वो भी लाइव देखें। लाइव देखने का ही मज़ा कुछ और होता है, आपको पता ही होगा YouTube पे तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हम तो लाइव ही वीडियो दिखाते हैं, लाइव ही वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। लाइव वीडियो देखिए, हम आपके सामने ही लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो ये आपको पता ही है, हमने दिखाया था 43X8200E सीरीज का है टीवी दोस्तों। तो इसमें डबल इमेज फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों, एक जगह से ये टेक्नीशियन को, एक किस कस्टमर ने टेक्नीशियन को दिया था, तो वहाँ से ये रिपेयर नहीं हो सका, तो उन्होंने हमें ला कर दिया। तो हमारे पास तो बॉन्डिंग मशीन है, हम वहाँ भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम डेली 2-4 आती रहती है, हफ्ते में 1-2 तो टीवी ऐसा प्रॉब्लम में मिलती है। तो हम आपको लाइव ही वीडियो दिखाएंगे बिना बॉन्डिंग किए हुए, ये टेक्नीशियन ने रिपेयर किया, उससे रिपेयर नहीं हो सका तो उसने वापस कर दिया, तो कस्टमर ने लाया है, हम आपके सामने लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों इसमें डबल इमेज फ्लिकरिंग प्रॉब्लम आती है बस सिर्फ टिकोन से दोस्तों। ये सोनी का टीवी है, लेकिन इसमें सोनी का डिस्प्ले नहीं है दोस्तों, इसमें एलजी का डिस्प्ले लगा हुआ रहता है। आप भी देखने का कोशिश करेंगे, आप जैसे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है एलजी डिस्प्ले लिखा है। सोनी दोस्तों डिस्प्ले बनाता बनाता है, लेकिन इसमें सोनी में 43 इंच का टीवी है दोस्तों, तो इसमें एलजी का डिस्प्ले डाला हुआ है। ये टिकोन आपको देखने को अधिकतर मिलेगा 43, 15 में, 32 में, 48 में, ये टिकोन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4K डिस्प्ले है। 4K देखिए, इसमें 4 क्वाइल है, यानी 8 पेयर है, 8 पेयर 4 क्वाइल यानी 8 पेयर 4K होता है डिस्प्ले दोस्तों। ये सोनी का मदरबोर्ड है, सोनी का LT बोर्ड है, ये ऑडियो बोर्ड है, और ये इन्वर्टर बोर्ड है, और इसके नीचे FFC और स्केलर बोर्ड लगा हुआ है। तो हम आपके सामने लाइव वीडियो दिखाएंगे, तो कैमरामैन इनको दिखाइएगा लाइव। हम आपको मीटर से दोस्तों, हम मीटर ले लेते हैं। इसमें दोस्तों बस वोल्टेज मिसिंग होने के कारण ये डबल इमेज और फ्लिकरिंग होने लगती है। तो मैं आपको लाइव ही वीडियो दिखाऊंगा कि इसमें क्या है। तो
तो फिर हमने इसको खोल लिया, फिर इसको एडाप्टर लगा लेते हैं, टीवी को चालू कर लेते हैं, फिर हम आपको लाइव ही वीडियो दिखाएं। दोस्तों कैमरामैन मीटर दिख रही है, तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि इसमें VGH और VGL दो ही वोल्टेज मिसिंग होता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, ये VGH है, VGH बन रही है 28 वोल्टेज, VGH 28 वोल्टेज बन रही है, और VGL जो है वो माइनस में बनती है 10 वोल्टेज माइनस में। आप देखने का कोशिश करेंगे 10 वोल्टेज माइनस में बन रही है और VGH बन रही है 28 वोल्टेज टिकोन में। तो टिकोन में आ रही है VGH और VGL दोस्तों, दो ही वोल्टेज मिसिंग होने के कारण ये डबल इमेज और फ्लिकरिंग बनने लगती है। तो आप देखने का कोशिश करेंगे, ये कैमरामैन थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाइए, आप देखने का कोशिश करेंगे VGH इवन VST लिखा हुआ है, VCOM लिखा है, VGL लिखा है। दोस्तों इस पर टेस्टिंग पॉइंट है, इधर भी है और इधर भी है। तो दोस्तों यही वोल्टेज न मिलने के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ये टेक्नीशियन ने रिपेयर करके रखा हुआ है, लेकिन उनसे रिपेयर नहीं हुआ है तो उसने वापस कर दिया। हम आपको भी लाइव भी वीडियो दिखाएंगे, तो देखने का कोशिश करेंगे। इस पर VGL पहले चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों देखिए टिकोन में VGL वोल्टेज आ रही है 5 वोल्ट आ रही है, यानी आउट में 5 वोल्ट कर रही है, इन में 10 वोल्टेज कर रही थी। आप देखने का कोशिश करेंगे, लेकिन लो वोल्टेज हाई वोल्टेज हो रही है, दोनों प्रॉपर रुक भी नहीं रही है। और VGH चेक कर रहे हैं, VGH चेक कर रहे हैं तो वो भी माइनस में दिखा रही है, यानी VGH कहीं शॉर्टिंग है। दोस्तों इसमें टिकोन में छोटा सा स्पेयर पार्ट होता है, अंदर से लूजिंग हो जाती है, अंदर से स्पार्क करने के कारण यहाँ से वोल्टेज VGL आ रही है यहाँ पे, और VGH वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, बाईपास जंपर देंगे, यहाँ से VGH यहाँ से उठाएंगे और VGH यहाँ पे देंगे। अब देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे VGH देख रहे हैं 28 वोल्टेज बन रही है, 28 वोल्ट बन रही है, और VGL किधर है, VGL ये है सर दोस्तों, VGL देख रहे हैं आप, 10 पॉइंट बन रही है, 10 पॉइंट माइनस 10 पॉइंट बन रही है। तो ये टिकोन में बन रही है, इनपुट है, इनपुट में इतना बन रही है, और आउटपुट में आप देखना चाहेंगे स्केलर में जो दे रही है, आउटपुट में 5-6 दे रही है, वो भी रुक नहीं रही है, क्योंकि ये स्पार्क कर रहा है, जो VGH वोल्टेज होता है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण ये VGL भी ड्रॉप मार रही है। तो VGH और VGL आपस में शॉर्ट हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर VGH, यहाँ से VGH लेकर VGH यहाँ देंगे हमें दोस्तों, VGH एक भी वोल्टेज नहीं बन रही है। आप देखने का कोशिश करेंगे, VGH एक भी वोल्टेज नहीं बन रही है, VGL दोस्तों बन रही है, VGL आप देखेंगे तो VGL बन रही है, वो भी ड्रॉप मार रही है, क्योंकि VGH और VGL आपस में स्पार्क करके कहीं आपस जंपर द्वारा शॉर्ट हो गए होंगे, इसके कारण VGH नहीं बन रही है और VGL बन रही है, तो वो भी रुक नहीं रही है, स्पार्क कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए आपके सामने चेक कर रहे हैं, VGH कुछ भी नहीं बन रही है, VGH देख रहे हैं कुछ भी नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से VGH उठाकर यहाँ पे VGH जंपर देंगे, आपके सामने लाइव ही वीडियो दोस्तों दिखाते हैं। तो हम पहले एडाप्टर को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास जंपर निकाल लेते हैं दोस्तों, जंपर आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जंपर नहीं रहेगा जब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, जंपर होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए, और आयरन तो होना ही होना चाहिए, बिना आयरन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका जो VGH है, VGH पे हम सोल्डर करके वहाँ आयरन सोल्डर लगा लेते हैं, फिर इसके पास भी VGH पे लगा लेते हैं ताकि कंपोनेंट लग जाए जल्दी से। तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों ये VGH है, जो VGH वोल्टेज को इसको थोड़ा सा जंपर बढ़ गई है तो इसको थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये VGH है दोस्तों, VGH पे हम ये शॉर्ट कर लेते हैं जंपर, एक VGH पे वोल्टेज मार लिए दोस्तों, ये इनपुट वोल्टेज था VGH, और आउट में भी दोस्तों उतना ही करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहा था तो हम आपके सामने लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। तो वहाँ से भी हमने VGH वोल्टेज उठाया और यहाँ भी VGH वोल्टेज ही देंगे, तो हमने जंपर दे दिया दोस्तों। ये अधिकतर ये टिकोन दोस्तों देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, ये 43 में भी मिलेगा, 48 में, 15 में, 32 में,
और 46 में 42 में भी दोस्तों 10-12 मॉडल में भी ये टिकोन मिलता है, वो भी ये 4K टिकोन होता है, ये ग्रीन कलर का ही होता है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है अधिकतर, ये डबल इमेज फिकरिंग में ये होती है। लोग क्या करते हैं कि ये टिकोन चेंज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम बता दें, अगर आपके पास ये टिकोन अगर सेम टू सेम मिल गई तो आप टिकोन चेंज कर सकते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर टिकोन नहीं मिली तो इमरजेंसी में आप जंपर द्वारा रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये जंपर मारा है तो ये कम से कम 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आप इसको टिकोन रिपेयर कर देते हैं तो 4 से 5 साल इसकी लाइफ बन जाती है। तो सामने वाले से जितना अगर आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं दोस्तों तो इसका टिकोन रिप्लेस कर दें, अगर कम पैसा ले रहे हैं तो ऐसा जंपर द्वारा रिपेयर करके आप दे सकते हैं। तो मैं आपको सामने लाइव ही वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। हमने VGH से VGH वोल्टेज दे दिया और VGL तो माइनस में बनता है, वो VGL तो आ ही रहा, तो हम एडप्टर लगा के आपके सामने लाइव ही वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। तो हमने ये एडप्टर लगाया और ये चालू करके ऊपर दिखा दिया दोस्तों। आप देखने का कोशिश करेंगे कि सोनी का लोगो आ गया है दोस्तों। पहले डबल इमेज फिकरिंग प्रॉब्लम था, अब ये सोनी का लोगो आ गया, फिर एंड्रॉयड बनेगा, फिर इसमें 30 सेकेंड बाद अपना होम पेज आने लगेगा। तो दोस्तों आप भी ऐसा रिपेयर कर सकते हैं, इसमें दो ही वोल्टेज मिसिंग होती है, VGL और VGH दो ही वोल्टेज मिसिंग होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है डबल इमेज फिकरिंग। दोस्तों अगर आप सामने वाले से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो टिकोन चेंज कर दीजिए, अगर कम पैसा ले रहे हैं तो ये जंपर द्वारा आप रिपेयर कर सकते हैं बिना बॉन्डिंग के। हमारे पास हफ्ते में 1-2 सेट आता रहता है ये प्रॉब्लम में, और ये सोनी का इस सीरीज सेट है दोस्तों, इसमें इस सीरीज में ज़्यादा ही प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप देखना चाहेंगे होम पेज पे ही आ गई है, पूरा क्लियरिटी बनी हुई है। तो सोनी का रिमोट से हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, आप देखने का भी कोशिश कर रहे होंगे, चल रही होगी तो यूट्यूब हम लगा देते हैं, आप देखने का कोशिश करेंगे। आप भी ऐसा रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे रिपेयर नहीं हो सकता है, ये छोटी सी फॉल्ट है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने यूट्यूब दिखा दिया दोस्तों, देखिए आपके सामने डबल इमेज फिकरिंग नहीं हो रही है, सिंपल सा वीडियो चल रहा है। अगर हमारा यूट्यूब को देखना चाहते हैं तो हम अपना यूट्यूब भी लगा देते हैं दोस्तों, आपके सामने लाइव ही वीडियो दिखाने का कोशिश करते हैं। आप देखिए दोस्तों 10 वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो देखिए, वो भी लाइव देखिए, ये दोस्तों लाइव ही वीडियो चल रही है, ये प्रचार आ रही है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों क्लैरिटी, सोनी तो सोनी ही होती है क्लैरिटी, आप देखिएगा तो सोनी के अलावा कोई सा टीवी में नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ब्रांड होती है, एक तो सोनी एक ब्रांड है, इसका हाई कॉस्ट में प्राइस भी होती है, इसी के कारण इसका डिस्प्ले इमेज जो भी है इसका क्वालिटी भी अच्छा दिखती है। तो आप देखने का कोशिश कर रहे हैं कि डबल इमेज फिकरिंग प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही है, मात्र एक जंपर से। दोस्तों हम लाइव ही वीडियो दिखाते हैं आपके सामने, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा बड़ी टीवी है दोस्तों, हिलाने डुलाने में थोड़ा डर लगता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए दोस्तों। ये VGH, हमने VGH वोल्टेज यहाँ से लेकर ये जंपर द्वारा दोस्तों ये दिखाइए कैमरा, ये जंपर द्वारा हमने VGH पे दिया दोस्तों। इसका VGL वोल्टेज आ रहा था लेकिन VGH एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, वो भी 0% था, तो हमने यहाँ से VGH उठाकर VGH इस पे दे दिया दोस्तों। ये सिंपल फार्मूला है दोस्तों, ये 4K टिकोन है, आप भी घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं और आप भी टेक्नीशियन बनिए, क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग मशीन है, तो हम आपको सोचे कि बिना बॉन्डिंग किए या बिना टिकोन चेंज किए हम आपको लाइव ही वीडियो दिखाएंगे और हम आपको दिखा दिए। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जहां से हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद दोस्तों।